नमस्कार, देश विदेश सहित अपूर्व बुलेटिन आरंभ करिबा हेडलाइन सह। हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो, इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल, बी श्योर इट्स प्योर। हिमाचल प्रदेश सिरमौर में बड़धरण भूस्खलन, भूस्खलन जो रास्ता संपूर्ण धोई जाता बेले यातायात बाधाप्राप्त, भूस्खलन जो अति कम्रे 175 पर्यटक फसी रही। प्रकाश पाइला सीबीएसई द्वादश रिजल्ट, मन खराब नक अभिज्ञतारु शिखि सफलतार नुआ गगन छुईवा को ट्विट करी कहले प्रधानमंत्री, शुभेच्छा जणाइले धर्मेन्द्र प्रधान। चलित वर्ष पास आर 99.37%। टीकाकरण में मिक्सड डोज को सामिल पर वैज्ञानिक अध्ययन को मंजूरी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन मिश्रित मात्रा में दिजाई निष्पत्ति, खूब शीघ्र आरंभ हो क्लिनिकल ट्रायल। चलित खरीफ एवं रबि ऋतु में सर्वाधिक धान और गहम खरीद कले केंद्र सरकार, राज्यसभा खाद्य खाउटी व्यापार राष्ट्रमंत्री स्वाधीन निरंजन ज्योति सूचना। सरकारी दल सांसद बोली कण सबू माफ, गजपति में मिश्रण पर्व बेले कोविड नियम भांगिले बीजेडी सांसद चंद्रशेखर साहू एवं सहयोगी, नाक तले मास्क पिंधि कर्मी ना सामाजिक दूरता, प्रश्न पचारे सांसद कहते आमे भांगी ना कोविड नियम। विजिलेंस कब्जा में स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सदस्यों व्यक्तिगत सचिव, मोट संपत्ति 3,79,00,000, 60,00,000 टंकार सुना जबत, खोल कि निजुक्ति केलेंकारी बड़ गुमर, चेर के बड़ प्रश्न। तीर्थस्थली होबनि भोगस्थली, तीव्र विरोध पर मुंड नुआईले राज्य सरकार, पूरी बेलाभूमि होबनि मद कुड़िया, मेराइन ड्राइव रे खुलमखुला नुआ उपाय रे मद बिक्री निष्पत्ति को विरोध कर बर्षिते जगद्गुरु शंकराचार्य। एवं टोक्यो ओलंपिक्स रे भारत दमदार प्रदर्शन, पुरुष हकी जापान कराइला टीम इंडिया, सेमिफाइनाल रे पहुंचले पीवी सिंधु, सेपटे बॉक्सिंग रे इतिहास रचिले लवलीना, देश पई आउ 3 पदक पक्का। बुलेटिन आरंभ करिबा हिमाचल आसुथिबा खबर सहित, हिमाचल प्रदेश सिरमौर में बड़धरण भूस्खलन, बरवास निकट में होता भूस्खलन जो रास्ता संपूर्ण धोई हो जहाँफल जातीय राजपथ में यातायात हो प्रभावित, रास्त उभय पार्श्व में बहु संख्यार गाड़ी मोटर अटकी रही देखा मिले। लाहौल और स्पीति जिलार उदयपुर सब डिविजन में भूस्खलन जो अतिकम्रे 175 पर्यटक फसी रही जमापड़े, सेमानक उधार पई हेलिकॉप्टर नियोजित करा जाइतबार सूचना मिलिछ। हिमाचल प्रदेश में बड़ धरणर भूस्खलन जहाँ चित्र आप देखुं, रास्ता संपूर्ण धोई जा 175 पर्यटक फसी रही सूचना मिलता बेले, सेपटे स्थानीय प्रशासन तरफ उद्धार कार्य चली, जो पर्यटक मैंने फसी किभली भाव गंतव्यस्थल में पहुंचा जा उद्धार कार्य जारी रही, जहाँ चित्र आपण आपण टीवी स्क्रीन देखिपुर। केन्दुझर टाउन थाना अंतर्गत 49 नंबर जातीय राजपथर जुड़िया घाटी ठारे पहाड़ विराटकाय पत्थर खसी एक ट्रक चूरमार हो, मृत्युमुखर अल्पके बंची ड्राइवर और खलासी। दीर्घ समय धरी जातीय राजपथ अवरोध पर राजपथ निर्माण करुवा ठिका संस्था पत्थर हटाइबा पर गाड़ी चलाचल स्वाभाविक हो, आज प्राय रेलधारणा बोझे कोलकातारु बम्बे अभिमुखे जाउथवा समय घटी दुर्घटना। एक जातीय राजपथ टी को मंटेकालो ठिका संस्था काम करुवा बेले निम्नमान काम और पहाड़ बंधी जो केत दुर्घटना तो केतबाला पहाड़ पत्थर माटी और गछ खसी धनजीवन नष्ट देखा मिले, आगामी दिन में यार मरामति नक एभली दुर्घटना घटना जारी रही बोली आशंका करा। सीबीएसई द्वादश परीक्षा फल प्रकाश पाई, मन खराब नक अभिज्ञतारु शिखि सफलतार नुआ गगन छुईवा को ट्विट करी कहते प्रधानमंत्री, आ शुभेच्छा जणाइछन्ती केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान।
चलित बर्ष पास रही 19.37% आ पुओ को पछरे पकाई बाजी मारी झियो। प्रकाश पाइले सीबीएसई द्वादश श्रेणी परीक्षा फल, पुओ मानकु पछरे पकाइले झियो, पुणी झियों बाजी मात। सफलतार सहित कृतकार्य होइथुवा परीक्षार्थी मानकु ट्वीट करी शुभेच्छा जणाइछन्ति प्रधानमंत्री। एथिस समानक उज्ज्वल भविष्य कामना करिछन्ति। ट्वीट करी मोदी कहिछन्ति जेउ छात्र छात्री माने भाबुछन्ति अधिक परिश्रम करि पारथान्ते किंबा अधिक सफलता पाइ पारथान्ते, सेमाने अभिज्ञतारु शिक्षा लाभ करन्तु, निजर आभिमुख्य को अधिक उच्चा रखन्तु। एक उज्ज्वल एवं सुजोग्र भरा भविष्य सेमानक अपेक्षा करिछि। प्रति छात्र छात्री जण जणे टैलेंटर पावर हाउस, मोर शुभेच्छा सेमानक सहित रहिछि बोली ट्वीट करी कहिछन्ति प्रधानमंत्री। सीबीएसई रो हार्ड वर्किंग ऑफिशियल्स आउ सबु स्टाफ मानकु मो धन्यवाद दउची। प्राइम मिनिस्टर्स आउ एजुकेशन मिनिस्टर को भी मो धन्यवाद कहउची, कारण सेमानंकर लगातार एफर्ट पई आउ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रो हेल्प रे आमो मार्क एते भलो आसीची, सेई पई आमे बहुत खुशी। चलित वर्ष सीबीएसई द्वादश श्रेणी रे 19.37% कृतकार्य होइचंती, 19.13% पुओ एवं 19.67% झियो पास करिछंती। चलित परीक्षा रे 17,016 जन विदेशी छात्र छात्री परीक्षा देथिले, सेमानक मध्यरु 19.92% छात्र छात्री पास करिछंती, 5.37% छात्र छात्री एग्रीगेट रे 95% उपरे मार्क रखि पारिछंती। I am a commerce student, 12th standard, so I scored 97.2%. Okay, are you happy? Very happy. I am literally very, it was my unbelievable experience to score 90 for the first time. Okay. The first time ever, I have never scored it. ट्वीट करि द्वादश परीक्षा रे सफल होइतबा छात्र छात्री मानकु शुभेच्छा जणाइछन्ति केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। रेकॉर्ड पास प्रतिशत को नै मध्यम खुशी प्रकट करिछन्ति केंद्र शिक्षा मंत्री। ए परीक्षा फल पई कठिन परिश्रम करिथिबा शिक्षक एवं अभिभावक मानकु शुभेच्छा जणाइबा सहित सफल छात्र छात्री को उज्जवल भविष्य कामना करिछन्ति धर्मेंद्र। बहुत अच्छा फील कर रही हूं, उम्मीद थी इतने नंबर है। 98.4 आए हैं, इतने की तो बिल्कुल नहीं थी। इट्स गुड, आ गए, इट्स गुड, आई एम वेरी हैप्पी। डर लगता था कि कोविड में पेपर तो देने नहीं दिए गए ऑनलाइन, या काफी डर था। आप खुश हैं? हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुश हूँ। कोरोना रो द्वितीय लहर रो भयंकर रूप को दृष्टि रखी सीबीएसई द्वादश श्रेणी रो बोर्ड परीक्षा को बातिल करा जाय थला। अल्टरनेट असेसमेंट पॉलिसी अनुसार परीक्षा फल घोषणा होची। बोर्ड पक्षरु 30-30-40 अनुपात रे दशम एकादश एवं द्वादश श्रेणी रो यूनिट मध्य टर्म एवं प्री बोर्ड परीक्षा फल को ग्रहण करा जाय फल बाहर करा जाय छी। 95.4 इतनी नहीं थी, बहुत ही वियर्ड साल था, बट नाउ इट्स ऑल वर्थ। तबे सफल मूल्यांकन रे फॉर्मूला को नै अनेक छात्र छात्री विरोध करथिले, तबे फॉर्मूला को सुप्रीम कोर्ट ग्रहण करबा परे समस्या रो समाधान होइतला। जून 1 तारीख रे प्रथम थर पई सीबीएसई द्वादश श्रेणी परीक्षा को बातिल करथिला, पर अन्य राज्य रो बोर्ड एही रास्ता अपनाइथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। आशा प्रवर्ती खबर को सरकार कोरोना टीकाकरण में मिक्सड डोज को सामिल करने एक वैज्ञानिक अध्ययन को मंजूरी देते यह स्पष्ट कर खूब शीघ्र जड़े व्यक्ति को दुईट भिन्न भिन्न डोज दि जापर कारण एपर्तंत सामनाक आसी अन्य क्लिनिकाल अध्ययन में टीका को नहीं सकारात्मक फलाफल देखा मिले। विशेषज्ञ कार्य समिति और सेन्ट्राल ड्रग्स स्टांडार्ड कंट्रोल अर्गानाइजेसन बैठक में कोविशिल्ड और कोभाक्सीन मिश्रित मात्र दिजाई निष्पत्ति एहा ने बहु शीघ्र ट्रायल आरंभ हेबो। एथिरे कोविशील्ड रा गोटिए डोज और कोवाक्सिन रा आउ एक डोज दिया जिवो। चलित खरीफ एवं रबि मार्केटिंग ऋतु में सर्वाधिक धान और गहम खरीद करिछन्दि केन्द्र सरकार। केतक राज्य मध्य धान और गहम किणारे निजर पूर्व रेकर्ड भांगिथिबा जणापडिछे। ए बाबद राज्यसभा एक लिखित उत्तर माध्यम रे सूचना देते खाद्य खाउटी व्यापार एवं साधारण बंटन विभाग केन्द्र राष्ट्रमंत्री स्वाधी निरंजन द्वितीय।
केन्द्रमंत्री सूचनारू जमापड़ी 2020-21 खरीफ मार्केटिंग सीजन में केन्द्र सरकार 869.29 लाख मेट्रिक टन धान कि 2021-22 रबि मार्केटिंग सीजन में 433.32 लाख मेट्रिक टन गहम किणी पूर्व वर्षर खरीफ और रबि ऋतुर परिमाण अधिक सेपरी धान किणारे गुजरात बिहार पंजाब तेलंगाना मध्यप्रदेश केरल ओडिशा झारखंड भली केतक राज्य पूर्व अपेक्षा अधिक भल प्रदर्शन करिछन्ते। गहम किणारे पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश गुजरात राजस्थान एवं जम्मू काश्मीर प्रभृति राज्य चलित ऋतु में पूर्व अपेक्षा आगे रही जमापड़। विजु जनता दल नेता और कर्मी माने भांगुछंती कोरोना नियम यार ज्वलंत उदाहरण देखा मिली गजपति जिले में। टिके भलो करी देखते दृश्य को ये दृश्य ही स्पष्ट करुछी जे किपरी नियम को पालन करुछंती सांसद चंद्रशेखर साहूं सहित अन्य नेता और कर्मी। अधिकांश मास्क पिंधिछंती नाक तले गोटे स्थान में प्राय 400 अधिक लोक अच्छा ना एठे मानुछंती नियम ना काहाकु भय अछि। यह हूँ गजपति जिला गोसाणी ब्लॉक दृश्य। आज सकाळे जोन मीटिंग और मिश्रण पर्व आयोजन करा जाइथिला। एक कार्यक्रम में पाखापाखि 400-500 लोक एकत्रित हो कोरोना नियमर धज्जिया उड़ाई। गाराबंध स्थित पेट्रोल पंप ठारु प्रथमे गोटे बाइक रैली बाहरी गोसाणी ब्लॉक सम्मुखे सरकारी कल्याण मंडप ठारे पहुंचीला। तापर आरंभ होइथिला मिश्रण पर्व। विभिन्न पंचायतर नेता और कर्मी माने मध्य उपस्थित थिले। केही मानि नथिले सामाजिक दूरता। पारलाखेमुनि विधायक के नारायण राव कहते दलय नेता और सांसद चंद्रशेखर साहू सबु नियम माफ। सरकारी अधिकारी माने गरीब लोकों ठारु फाइन आदाय करुवा बेले किंतु से नेता कार्यकलाप देखा जाऊना बोली से प्रश्न करते। ब्रह्मपुर सांसद चंद्रशेखर साहू कहते आम संपूर्ण कोरोना नियम मानि मिश्रण पर्व पालन करूँ। गोटे थर में गोटे पंचायत किसी लोक मिश्रण पर्व में सामिल कर आमर किसी बाइक रैली बाहरी ना कि आम किसी नियम भांगी ना आप देखें देश विदेश आगक रही आहरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर ताप नजर पकाइबा ब्रेक पर। ब्रेक पर स्वागत। चाकरी किराणी किंतु मालिक कोटि कोटि टंकार आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल करने अभियोग में भिजिलांस थाना छंदी होती ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग सदस्यों व्यक्तिगत सचिव बीरंची नारायण साहू। भुवनेश्वर नीलाद्री विहार चंद्रशेखरपुर कटक नरसिंहपुर भली 6 स्थान में एककालीन चढ़ाऊ कर भिजिलांस। बीरंची नारायण साहूं मोट संपत्ति 3,89,00,000। नीलाद्री विहार 2 महला घर भक्ति विहार गोटे महला घर और कटक गोड़ी बंधुरे गोटे महला घर रही है। भुवनेश्वर खोर्धा कटक और पुरी में 14 प्लॉट रही नाँ 56,00,000 टंकार बीमा रही। निज घर और संपर्कों घर 25,00,000 टंका सहित 1.5 किलो सुना जबत हो जबत सुनार आनुमानिक मूल्य 60,00,000 टंका हेबो। सबडे चाकरी पे आशायी प्रार्थी एडमिट कार्ड मध्य जबत हो मिलता सूचना अनुसार बीरंची को खूब शीघ्र गिरफ्त कर पारे विजिलेंस। टोटल एवं 3.79 करोड़ जो एसेट्स बाहर इन्सुरंस डिपॉजिट जो 56 लाख जो प्रीमियम से सब सीज है। गोल्ड आर्नमेंट्स 1.5 किलोग्राम सीज है और तर वर्थ अच्छे 60 लाख और गोटे 4 व्हीलर और 2 व्हीलर और निज घर 12,46,000 समथिंग सीज है। तर ब्रदर इन लॉ घर 13 लाख कैश सीज रही। बाकी तर लैंड सब कितना जगार अच्छी से वैल्युएशन चलती गोटे नीलाद्री विहार गोटे तर रेसीडेल बिल्डिंग अच्छी डबल स्टोरी से 1.42 करोड़ गोटे वैल्युएशन और अन्य जगार भी आम टेक्निकल विंग अच्छी से इन्स्पेक्शन करेंगे डिटेल जाना पड़े। बैंक डिपॉजिट हमें वेरीफाई कर बैंक डिपॉजिट विषय सब विभिन्न बैंक अकाउंट अच्छी से गोटे रिक्वेस्ट दिखाई बैंक मैनेजर को सीटा रिप्लाई आसीने आसला परे जाना पड़े। मोबाइल फोन सीज कर मोबाइल फोन रे भी इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अच्छी तो पिला जो आरडी कार्ड विषय डिटेल अच्छी से हम सीज कर साइबर फॉरेंसिक यूनिट को पठाई देवे और बाकी जो कॉल डिटेल्स भी वेरीफाई करेंगे
और पूरा डिटेल जाना पड़ेगा। विजिलेंस कब्जा रे कोटिपति किराणी चढ़ाऊ बेले मिलिला 25 लाख कैश दामी सुना अलंकार पुरुणा 500 टंकिया विदेशी मुद्रा जबत घर बाहर को भिंगिबा बेले माड़ी बसी जबत कला विजिलेंस विजिलेंस जाल रे छंदी होइछंती ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग बा स्टाफ सिलेक्शन कमिटी सदस्य व्यक्तिगत सचिव बिरंची नारायण साहू आउ बिरंची घर जबत होइतबा सामग्री उपरे टिके नजर पकातु पुला पुला टंका और सुना गहना एकाधिक प्लॉटर मालिक थिले बिरंची केवल तांको निजस्व घर 12 लाख टंका मिलिछे तांको सळा घर मिलिछे 13 लाख टंका चढ़ाऊ बेले विजिलेंस अधिकारी को देखि टंका भर्ती ब्याग को घर बाहर को फिंगी देथिले बिरंची नारायण हेले घर कररे थिबा गछमूलरु एही ब्याग को जबत करिसेंती विजिलेंस अधिकारी भुवनेश्वर नीलाद्री विहार चंद्रशेखरपुर समेत कटक जिला नरसिंहपुर भली 6टी जिला रे एककालीन चढ़ाऊ करिसेंती विजिलेंस रो 3टी टीम जेउथरे शामिल थिले 4 जण डीएसपी 13 जण इंस्पेक्टर ओ अन्यान्य कर्मचारी एटा साइमल्टेनियस हाउस सर्च छोटा जगह रे चले छि हमरो चंद्रशेखरपुर जोडा डबल स्टोरीड बिल्डिंग अछि सेठी हमरो सर्च चले छि और बाकी अन्य जगह रे भी सर्च चले छि सब सीसर हला पर अपन को डिटेल इन्फॉर्मेशन देबे केते कैश मिलला तथा एटा वी भी काउंटिंग चले छि ब्रदर इन लॉ हाउस रो कैश सीसर हे छि अबाउट 13 लाख रो और बाकी तंकर रेसिडेंशियल हाउस रे गोल्ड और बाकी सब काउंटिंग चलु छि एटा सरला पर अपन को डिटेल 1985 मसिया रे बिरंची नारायण स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रे स्टेनो भाबे नियुक्ति पाइथिले बड़ प्रश्न एते टंका रो अधिकारी केमिति हेले केमिति दुई दुई थरो विदेश बुलिले चाकरी देवा को कही बिरंची ठुळ करिनाहंती त कोटी कोटी टंका बिरंची को स्टाफ सिलेक्शन कमिशन को ऑफिस रे गुरुत्वपूर्ण कागज जांच करूची विजिलेंस से बड़े प्रश्न पचारिले मुह खोलुनाहंती कोटीपति बाबू सर आपन घरु एते एते टंका केमिति बाहरला कोटी नथिंग टू आंसर ना नथिंग टू आंसर ना सर नथिंग टू आंसर ना इट विल डिसाइडेड एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड्स इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट टंका देले चाकरी कराई देउतबा भली अभिजोग पूर्वरु स्टाफ सिलेक्शन कमिशन नारे बहुत थोर आसीछे एपरिकि बड़ बाबूं रेफरेन्स अनुसार चाकरी कराई देउतबा अभिजोग मध्य आसीछे प्रश्न उठुछि बिरंची नारायण भली तलतलिया किराणी एते मात्रा रे टंका जोगाड़ करिबा पछरे केही बड़ बड़िया अधिकारी रही नाहंती त अभिजोग परे विजिलेंस अधिकारी नजर एभली लोकों उपरे रहितबा सूचना मिलितबा बेले बड़ बाबूं पाखरे पहुंची पारिबो त विजिलेंस भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रशांत और टूना मंडल रोशन रथ और सुशांत साहू का रिपोर्ट अर्गस न्यूज आपण देखछन देश विदेश समय होइछ आउ एक ब्रेक ब्रेक पर पुनः स्वागत जापान रो टोक्यो रे चली द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ सारा विश्व नजर रही टोक्यो ओलंपिक्स 2020 उपरे सुना रूपा एवं ब्रोंज पाई खिलाड़ी के मध्य चली प्रतियोगिता एबे देखिबा ओलंपिक संपर्कित किसी खबर मो सहयोगी लालमोहन का सहित टोक्यो टक्कर रे मो लालमोहन किछ अपडेट्स दबा पई आपण मानन को ए समय रे आसी छी त सबटु बड़ कथा हला किछ उत्साह रो खबर रही छी किछ निराशा रो खबर रही छी सेमीफाइनल रे प्रवेश करी मेडल निश्चित कले सिंधु भारतीय तारका बैडमिंटन खेलाड़ी पी वी सिंधु आज जापान रो बैडमिंटन स्टार अकाने यामागुची को हराई सेमीफाइनल रे प्रवेश करी छंती एकाने यामागुची को 21-13, 22-20 रे सिंधु परास्त करी छंती दुई खेलाड़ी मध्य बहुत समय धरी खेल होता प्रथम गेम रे 21-13 रे पी वी सिंधु जीति खेल 23 मिनिट पर्यंत चली द्वितीय गेम रे सिंधु एवं यामागुची मध्य तीव्र प्रतियोगिता होता प्रतिद्वंदिता होता संघर्ष होता उभयों मध्य लंबा समय धरी चलता मैच दुहे परस्पर को हरवाई चेष्टा करुले तेब शेष सिंधु यह मैच विजय हासिल कर सेमिफाइनाल को प्रवेश कर भारत पाई पदक आशा दृढ़ होई छी
ସେହିପରି ଆୟୋଜକ ଜାପାନ କୋରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଲଗାତାର ଭାବେ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଜି ପୁଲ୍ ଏର ଶେଷ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ଜାପାନକୁ 5-3 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ସିଧା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିମରନଜିତ ସିଂ, ଶମଶେର ସିଂ ଓ ନୀଲକାନ୍ତା ଶର୍ମା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗୁରଞ୍ଜନ ସିଂ 2 ଗୋଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଭାରତର ଏହା କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ବିଜୟ। 2 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ସ୍ପେନ୍, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପରେ ଆଜି ଜାପାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଆଜି ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡକୁ 1-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତର ମହିଳା ହକି ଟିମ୍। ଏଥିସହ ଭାରତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭେଟିବ ମହିଳା ଦଳ। ରାନୀ ରାମପଲ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୟ ସୂଚକ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ଟି ନବନୀତ କୌର ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ନବନୀତ ଏହି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡକୁ ଗୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା। ବକ୍ସିଂ ରିଙ୍ଗରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର। ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଲଭ୍ଲିନା। ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପଦକ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ତେବେ ପୁରା ଦେଶବାସୀ ଆଶା କରିବେ ସେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ଗୋଲ୍ଡ କିମ୍ବା ସିଲଭର ଜିତନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ ଦେଖିବା ତେବେ 2008 ବେଜିଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ବିଜେନ୍ଦର ସିଂଙ୍କୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ଲଣ୍ଡନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମେରି କମ୍ଙ୍କୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ଆଉ ଏବେ ଲଭ୍ଲିନା ଆଉ ଏକ ପଦକ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ତୀରନ୍ଦାଜରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଦୀପିକା କୁମାରୀ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ତୀରନ୍ଦାଜ। ଦୀପିକା ରୁଷିଆର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ରେ 6-5 ହରାଇ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ 8 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ଦୀପିକା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା। ସିଙ୍ଗଲର ପଞ୍ଚମ ସେଟ୍ ପରେ ସ୍କୋର 5-5 ବରାବରରେ ରହିଥିଲା। ତା ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ରେ ପରଫେକ୍ଟ 10 ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଦୀପିକା। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରିଓରେ ସିଲଭର ପଦକ ଜିତିଥିବା ସୋନିଆ ପେରୱାଙ୍କୁ ବାହାରର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ନିରାଶାର ଖବର ଆସିଛି ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଦୂତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ। ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ। 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ। 11.54 ସେକେଣ୍ଡ ସହ ଦୂତିଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ହିଟ୍ 5 ଜାମାଇକାର ଏସ୍ ଫ୍ରେସର 10.84 ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ହିଟ୍ର ପ୍ରଥମ 3 ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଆଥଲେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ରହିଛି ପଦକ ତାଲିକା, ମେଡାଲ ଟାଲିରେ କିଏ ରହିଛି ଉପରେ, କିଏ ରହିଛି ତଳେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମେଡାଲ ଟାଲି ଉପରେ। ମେଡାଲ ଟାଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଗୋଲ୍ଡ ସୁନା ପଦକ କାହାକୁ ମିଳିଲା, ରୌପ୍ୟ ପଦକ କାହାକୁ ମିଳିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଟପ୍ 10 ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ତାଲିକା। ଆମେରିକା 14 ଗୋଲ୍ଡ, 16 ସିଲଭର, 11 ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ଚୀନ 18 ଗୋଲ୍ଡ, 9 ସିଲଭର, 11 ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ରୁଷିଆ 10 ଗୋଲ୍ଡ, 14 ସିଲଭର, 10 ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ବ୍ରିଟେନ 6 ଗୋଲ୍ଡ, 9 ସିଲଭର, 9 ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 9 ଗୋଲ୍ଡ, 2 ସିଲଭର, 11 ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ଜର୍ମାନୀର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ପ୍ୟାନେଲ ଟିମ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ, ଇଏ ଆସିଗଲା ଟାଲି। ଜର୍ମାନୀ ଆମେ କହୁଥିଲେ 3 ଗୋଲ୍ଡ, 4 ସିଲଭର, 9 ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ସାଉଥ କୋରିଆ 5 ଗୋଲ୍ଡ, 4 ସିଲଭର, 6 ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ 3 ଗୋଲ୍ଡ, 7 ସିଲଭର, 5 ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ଫ୍ରାନ୍ସ 3 ଗୋଲ୍ଡ, 5 ସିଲଭର, 5 ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରେ ଅଛି ଚୀନ, 18 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ, ଏବଂ ଆମେରିକା ରହିଛି ଚୀନ ତଳକୁ 14, ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସିଲଭର, କ୍ଷମା କରିବେ, ଗୋଟିଏ ସିଲଭର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ମେଡାଲ ଟାଲି ଟୋକିଓ ଟକ୍କରରୁ ଖବର ଏତିକି। ଯିବା ବାକି ଖବର ପାଇଁ ଅପୂର୍ବଙ୍କ ପାଖକୁ। ଟୋକିଓ ଟକ୍କର ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟୋକିଓରୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ଟୋକିଓରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ତାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଲାଲମୋହନ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।